हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक ऐसी यूट्यूब की एक ऐसी सीक्रेट सेटिंग लेके आया हूं। अगर ये सीक्रेट सेटिंग आपके यूट्यूब चैनल पे इनेबल है तो फ्रेंड्स, आप डेली का बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे हैं, वो भी अर्निंग में। जी हाँ फ्रेंड्स, डेली का रेवेन्यू आपको 35% से लेके 45% जो है कम मिल रहा है। अब आप अगर अपने YouTube चैनल पे डेली का रेवेन्यू इंक्रीज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके चैनल पे सीक्रेट सेटिंग इनेबल है या डिसेबल। अगर इनेबल है तो फटाफट डिसेबल कर दीजिए और आप देखेंगे कि आपके चैनल पे 35% से लेके 45% का रेवेन्यू जो है इंक्रीमेंट आपको जो है देखने को मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे मैं 35% से लेके ये 45% का जो पैरामीटर है क्यों बता रहा हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, ये पैरामीटर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरा चैनल के बेस का पैरामीटर है। क्या पता आपके साथ ये अर्निंग आपको ज़्यादा भी देखने को मिल सकती है, और ये मेरे केस में है, आपके केस में ज़्यादा भी हो सकता है और थोड़ा सा कम भी हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर ये सीक्रेट सेटिंग अगर आप डिसेबल कर देंगे तो आपको अर्निंग जो है काफ़ी ज़्यादा जो है पहले के मुकाबले देखने को मिलेगी, इस बात की गारंटी है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस सेटिंग्स को कैसे इनेबल करना है, डिसेबल करना है, ये सेटिंग का नाम क्या है, ये कुछ हम बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले हम जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सेटिंग का नाम है डिसेबल इंटरेस्ट बेस्ड एड्स। ये आपको जो है यूट्यूब स्टूडियो में इसकी सेटिंग जो है देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब इस सेटिंग्स का हमें क्यों एडवांटेज जो है देखने को मिलता है, सबसे पहले हम इस बात पे जानते हैं। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि आप एक कंटेंट क्रिएटर है, वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो आपके चैनल पे जो भी एड्स आते हैं आप सभी उससे अर्निंग करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। मान लीजिए कि आपने गूगल पे सर्च किया कि दिल्ली टू हैदराबाद का आपने एक फ़्लाइट टिकट सर्च किया, उसके बाद आप यूट्यूब पे आते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, तो वहाँ पे देखेंगे आप कि आपको जो है ना एक ऐड देखने को मिल जाएगा। किसके अनुसार? आपकी बेसिक एक्टिविटी के अनुसार, आपके इंटरेस्ट बेस के ऊपर जो है आपको वो ऐड जो है शो हो जाएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि आप जो है उस ऐड पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद जो है आपको भी प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अर्निंग बढ़ जाती है। जब आपकी अर्निंग बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है हर किसी को खुशी होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो है फीचर आपको यहाँ पे मिला हुआ है। यहाँ पे क्या है, बाय डिफॉल्ट सेटिंग ऑफ आती है, लेकिन बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स जो है इस सेटिंग को इनेबल करके रखते हैं सिर्फ अपने ऐसी मस्ती में, उनको पता नहीं होता कि ये सेटिंग का क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर ये सेटिंग इनेबल है तो फटाफट डिसेबल कर दीजिए। इसको डिसेबल कैसे करना है, आपको सिंपली यूट्यूब स्टूडियो में जाना है, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा चैनल्स का। चैनल्स में जाने के बाद आपको जाना है एडवांस टैब में, जहाँ पे आपको लिखा होगा एडवांस सेटिंग्स। उसमें आपको अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट वाले सेक्शन में ऑप्शन देखने को मिलेगा डिसेबल इंटरनेट बेस्ड एड्स। अगर ये सेटिंग आपके चैनल पे इनेबल है तो फटाफट क्या करना है, आपको इस सेटिंग को डिसेबल कर देना और सेव कर देना है। और आप देखेंगे, आप नेक्स्ट डे से चेक कीजिएगा कि आपकी जो अर्निंग है पहले के मुकाबले धीरे धीरे बढ़ी है। आप इसको जो है एकदम ही चेक ना कीजिएगा, आप इसमें कम से कम एक हफ्ते का टाइम लीजिएगा और आप देखिएगा कि उससे पहले हफ्ते का आपका ग्राफ क्या था और इसे इनेबल करने के बाद वीकली ग्राफ में कितना डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, अगर आपके चैनल पे सेटिंग पहले से इनेबल थी तो नीचे मेरे को कमेंट में जरूर बताना। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे या फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। आप चाहे तो मेरे को डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट DM कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ फ्रेंड्स आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।